हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए बिना किसी देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आप देखेंगे मैंने बिना किसी टूल की सहायता से अपने हाथों से अपने स्ट्रेट बालों को कर्ल किया है। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था, सोचा मैं भी ट्राई करूं। रिजल्ट काफ़ी शानदार आया है। अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, आप भी अपने पार्लर का खर्चा बचाना चाहते हैं तो इसको अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं इसमें जो मुझे परेशानियाँ हुई है, जो सावधानियाँ आपको रखनी है वो भी मैं शेयर करूँगी। तो आप वीडियो पर बने रहिए और देखिए मैं किस तरह से इसको कर्ल कर रही हूँ। डैम्प हेयर में बालों को इस तरह से राउंड करके करते जाना है और एंड में एक नॉट लगाना है। नॉट में एंड वाले पार्ट को इस तरह से छोड़ देना है। बस आपको नॉट लगाने का ही ध्यान रखना है। अगर आपने मेरी जुड़ा बनाने वाली हेयर स्टाइल देखी हो तो मैं उसको भी इसी तरह से बनाती हूँ। लास्ट में नॉट छोड़ती नहीं हूँ, इसमें नॉट को छोड़ देना है। क्या आप में से किसी ने इसको अभी तक ट्राई किया है? मैंने हर एक सेक्शन को राउंड करके बताया है ताकि आप अगर स्किप कर जाते हैं तो लास्ट तक देखते देखते ज़रूर सीख जाएंगे। मैंने इसे ओवरनाइट रख दिया था जिससे मुझे सोने में और अगले दिन सुबह तक मैं भी काफ़ी परेशानी हो रही थी, कुछ हिस्से खुल भी गए थे। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, आप इसको ओवरनाइट मत रखना। मुझे लग रहा था कि ये और अच्छे से कर्ल होंगे, लेकिन अच्छे से ये 2 से 4 घंटों में कर्ल हो जाते हैं। आपको ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये नेक्स्ट डे का रिजल्ट है, देखिए कितने अच्छे से कर्ल हुए हैं मेरे बाल। सच कहूँ तो मुझे बनाने से ज़्यादा खोलने में बड़ा मज़ा आ रहा था, स्प्रिंग की तरह खुले जा रहे थे ये। मैंने जब फर्स्ट टाइम कर्ल किए थे तो इन कर्ल्स को अलग अलग बालों को खोल लिया था। तो आपको बालों को खोलना नहीं है, सिर्फ कर्ल्स खोलने हैं। बालों को अगर खोलेंगे तो आपके कर्ल खराब हो जाएंगे। इस पर हल्का सा सीरम लगाइए और रेडी हो जाइए किसी भी हेयर स्टाइल के लिए। तो आप में से कितने लोग कर्ल करने वाले हैं? तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।